हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और क्या लगता है आपको, ऐसी कौन सी वेबसाइट होगी जिस पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक संडे को होते हुए उसे टॉप 10 वेबसाइट्स की लिस्ट में एंट्री मिल जाती है? अच्छा, एक हिंट दूं? नहीं समझे, कोई बात नहीं, क्योंकि इस लिस्ट में हमारे फेवरेट ई कॉमर्स वेबसाइट Amazon भी शामिल है, जो इतना फेमस है कि 2019 से 2020 के बीच में इसने सिर्फ अपने वेबसाइट की सेल से 12 लाख करोड़ INR का रेवेन्यू जनरेट किया था। और ये तो सभी जानते हैं कि Amazon सबसे ज्यादा Google की वजह से पॉपुलर हुआ है, क्योंकि Google पे एक मिनट में ऑन एन एवरेज 38 लाख लोग कुछ ना कुछ खोज रहे होते हैं, जिसके बाद गूगल उन्हें Amazon और बाकी दूसरे वेबसाइट्स का रिकमेंडेशन देता है। पर ये सब आखिर काम कैसे करता है और गूगल का इसमें क्या फायदा है, जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब इन टुडेज वीडियो टाइटल्ड मोस्ट विजिटेड वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट। आई एम श्योर स्मार्टफोन और कंप्यूटर के जमाने में शायद ही कोई ऐसा होगा जो किसी वेबसाइट पर कुछ सर्च करने नहीं जाता होगा, क्योंकि जैसे साधारण जीवन के लिए रोटी कपड़ा मकान जरूरी होता है, उसी तरह इंटरनेट की जिंदगी जीने के लिए वेबसाइट जरूरी होता है। तभी तो 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक टॉप 10 वेबसाइट की लिस्ट में जिनका नाम शुमार था वो थे google.com with 869,000 lakh visit, youtube.com with 228,000 lakh visits, facebook.com with 200,000 lakh visits और हमारे हर सवाल का जवाब देने वाले विकिपीडिया with 136,000 lakh visits। पर ये लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि इसमें हमारे द्वारा यूज किए जाने वाले सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब और पर्सनल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे एक्स वीडियोस और पॉर्नहब भी शामिल है, जिसमें इंस्टाग्राम 7th पोजीशन पे है 44,000 लाख विजिट्स के साथ। उसके बाद 8th पे है एक्स वीडियोस विद 37,000 लाख विजिट्स और आखिर में 10th पे है पॉर्नहब विद 36,000 लाख विजिट्स। इतना ही नहीं, आजकल जो हम ऑनलाइन शॉपिंग के नशे में धुत हुए हैं, हमारे उसी नशे ने इस लिस्ट में Amazon का भी नाम शामिल कर दिया है। पर क्यों, कैसे और आखिर इन वेबसाइट्स ने ऐसी कौन सी तरकीब लगाई है जो ये इस लिस्ट में शामिल हो पाए, इस जानकारी की शुरुआत हम Amazon से करते हैं, जो हर मिनट में 4,000 आइटम्स बेचता है। और बेचेगा भी क्यों नहीं, इसकी वेबसाइट amazon.com पे 2020 में एक महीने में 36,800 लाख लोगों ने जो विजिट किया था, जो जून 2021 में बढ़कर 50,000 लाख तक चला गया। और Amazon की इसी पॉपुलैरिटी ने उसकी साइट पे ट्रैफिक को इस कदर बढ़ा दिया है कि मोस्ट विजिटेड साइट में 6th पोजीशन पे होने के बाद भी वो दिन में 4,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करता है, जिसमें 163 बिलियन डॉलर्स का कंट्रीब्यूशन सिर्फ उसकी वेबसाइट पे होने वाले सेल्स का है। लेकिन मेरे भाई, सोचने वाली बात तो यह है कि Amazon की पॉकेट में तो 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई जा रही है, पर तुम्हारे पॉकेट में क्या जा रहा है? तुम्हारी पॉकेट तो उल्टा दिन ब दिन ऑनलाइन शॉपिंग करते करते खाली हो रही है। और इस महंगाई के जमाने में जहां 1,000 की चीज लोग डबल प्राइस में बेच रहे हैं, वहां कॉलेज गोइंग और अपना खर्चा खुद उठाने वाले लोगों का तो जीना ही मुश्किल हो गया। पर अगर आप भी इनमें से एक हो तो आज से आपको मुश्किल का सामना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं इंडिया के पहले ऐसे सेविंग ऐप के बारे में जहां से आप शॉपिंग करते करते भी पैसे कमा सकते हो। Yes, और इस मनी सेविंग ऐप का नाम है मैजिक पिन ऐप, जहां से आप लीवाइस, एलन सॉली, फैब इंडिया, पीटर इंग्लैंड जैसे फैशन ब्रांड्स पर भारी डिस्काउंट पा सकते हो। और भारी डिस्काउंट से मेरा मतलब है 90% तक डिस्काउंट। इनफैक्ट यही डिस्काउंट आपको अपनी फर्स्ट डिलीवरी पे मिलता है, इसका मतलब ऑलमोस्ट आप अपना फर्स्ट ऑर्डर फ्री में ही ले सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पर कुछ फैशनेबल कपड़े खरीद कर। और इस ऐप पर आपको सिर्फ फैशन ब्रांड्स ही नहीं बल्कि फूड डिलीवरी, ग्रोसरी, फार्मेसी, ब्यूटी और फिटनेस जैसे हर कोई प्रोडक्ट की शॉपिंग डिस्काउंट मिलेंगे। यही नहीं, आपको इस ऐप पर अपने शॉपिंग बिल की फोटो पोस्ट करने पर हर बिल की पोस्टिंग के साथ मिलेंगे मैजिक पॉइंट्स। यहाँ पर एक मैजिक पॉइंट की वैल्यू होती है 1 रुपए, जिसे आप शॉपिंग करते वक्त इस्तेमाल करके डिस्काउंट भी पा सकते हैं। तो देरी कैसी है, अभी इस ऐप को डाउनलोड करो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके और अपने मन चाहे ब्रांड की शॉपिंग भारी डिस्काउंट से करो, है ना कमाल का। वेल, अब लौटते हैं Amazon की भारी कमाई की वजह पर, और इसकी वजह है Amazon के कीवर्ड्स। अब अगर आप कीवर्ड्स की उलझन में फंस रहे हो तो इतना समझ लीजिए कि यही कीवर्ड्स हर वेबसाइट को पॉपुलर बनाते हैं। जैसे अगर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है तो इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, क्लोथ्स जैसे कोई भी वर्ड सर्च इंजन पर डालने पर उससे जुड़ी वेबसाइट्स रेकमेंडेशन में दिखने लगती है, खास तौर पे गूगल पे, जहां यूजर्स जब कोई भी कीवर्ड डालते हैं सबसे पहले उन्हें amazon.com रेकमेंड होती है, क्योंकि Amazon के 25% सेलर्स अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए गूगल एड्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि यूजर्स उनके प्रोडक्ट्स तक जल्दी से पहुंच जाए।
और वैसे मोस्ट विजिटेड वेबसाइट्स की बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बिना अधूरी है, क्योंकि हमारी टॉप 10 की लिस्ट में फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम का भी नाम शामिल है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेकंड पोजीशन के यूट्यूब की, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूं तो सबसे पहले मैं इसी से शुरू करना चाहूंगा, जिसे जून 2021 में 22.8 बिलियन विजिट्स मिले थे। लेकिन इसका ये रिकॉर्ड ऑर्गेनिक होते हुए भी ऑर्गेनिक नहीं है, क्योंकि यूट्यूब को गूगल ने 2006 में उसके लॉन्च के एक साल बाद ही खरीद लिया था, जिसके बाद से जहां जहां गूगल रहा है वहां वहां यूट्यूब भी पहुंचा है, जिसकी बदौलत 2020 में यूट्यूब ने 1,00,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। क्योंकि ये पॉपुलर प्लेटफॉर्म ना केवल खुद पैसे कमाता है बल्कि अपने यूजर को भी पैसे कमाने का मौका देता है, और इसके लिए यूजर्स को बस यूट्यूब के पॉलिसीज के अनुसार वीडियोस अपलोड करना होता है। पर पॉपुलर होने के बाद शायद ही कोई कंपनी होगी जो और पॉपुलर नहीं होना चाहेगी, और यूट्यूब उनमें से बिल्कुल नहीं है। इसीलिए तो मार्केट में टिकटॉक के बढ़ते क्रेज को देखते हुए यूट्यूब ने भी अपने शॉर्ट्स को लॉन्च किया, जो इतना फेमस हुआ कि लोग यूट्यूब पर वीडियोस की जगह शॉर्ट्स देखना पसंद करने लग रहे हैं। वहीं यूट्यूब के बाद शॉर्ट वीडियो की आग को हवा देने वाले सेवेंथ पोजीशन वाला इंस्टाग्राम भी किसी से पीछे नहीं है। हालांकि इनिशियली इंस्टाग्राम सिर्फ iOS के लिए लॉन्च हुआ था, जिसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी की वजह से कंपनी को इसे एंड्रॉइड वर्जन्स के लिए भी लॉन्च करना पड़ा। पर शुरुआत में इंस्टाग्राम पे सिर्फ फोटोज, स्टोरीज और 15 सेकंड की वीडियोस ही अपलोड हो सकती थी। इसके बाद इस पर IGTV को लॉन्च किया गया, लेकिन फिर टिकटॉक को टक्कर देने के लिए इंस्टाग्राम ने रील्स को एक साथ 50 कंट्रीज में लॉन्च कर दिया, और इसे रील्स की पॉपुलैरिटी ही कह सकते हो कि जिस वजह से ग्लोबली इंस्टाग्राम ऑडियंस 25 से 34 इयर्स के बीच के लोग हैं। लेकिन ग्लोबली फेमस होने के बाद भी इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंस्टाग्राम सबसे ज्यादा इंडिया और US में पॉपुलर हुआ, जहां एक देश में इसके 18 करोड़ यूजर्स हैं और दूसरी जगह 17 करोड़। अब बात करते हैं इस लिस्ट के सबसे टॉप प्लेयर फेसबुक की, जो इतना ज्यादा पॉपुलर है कि मोस्ट व्यूड वेबसाइट की लिस्ट में ये थर्ड पोजीशन पे है। क्योंकि दुनिया में किसी के पास कुछ ना हो, एक फेसबुक अकाउंट जरूर होता है। वेल, फेसबुक के लिए इतने ज्यादा पॉपुलर होने की एक वजह उसकी यूजर पॉलिसी भी है। पर इसकी जिस खास बात ने इसे फेमस किया था वो था इसका कम्युनिकेटिंग फीचर, जहां यूजर कैन पोस्ट टेक्स्ट, फोटोज, ऑडियोज, वीडियोज, सब कुछ, जिससे यूजर का हर ऑनलाइन फ्रेंड अपने अकाउंट पे भी शेयर कर सकता है। इतना ही नहीं, फेसबुक ही पहला ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसने लोगों को एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन का एक माध्यम दिया। परंतु ग्लोबल एंटरटेनमेंट का यही माध्यम कई बार कॉन्ट्रोवर्सीज का भी शिकार हुआ है, क्योंकि इस पर से किसी भी यूजर के इन्फॉर्मेशन को निकालना आसान होता है। इनफैक्ट 2018 में एक इन्वेस्टिगेशन के वक्त ये पता चला था कि कैम्ब्रिज एनालिटिका, एक डेटा एनालिटिक्स फर्म, फेसबुक यूजर्स के पर्सनल डेटा चुरा कर उसे ऑनलाइन पर्सनालिटी क्विज के लिए इस्तेमाल कर रहा था। और सिर्फ यही नहीं, कई और ऐसे डेवलपर्स थे जो फेसबुक से डेटा चुराते हैं, जिसके बाद फेसबुक को $5 बिलियन देते हुए अपनी लापरवाही की कीमत चुकानी पड़ी। ये सब के बाद मार्क ज़करबर्ग ने खुद अपने यूजर्स की प्राइवेसी को लेके कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का प्रॉमिस किया था। हालांकि इस इंसिडेंट के बाद सिर्फ फेसबुक ही नहीं, दूसरी सभी वेबसाइट्स भी अपने प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर काफी अलर्ट हो गई, ताकि उनके यूजर्स का उन पर ट्रस्ट बना रहे। लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, एक ऐसा पर्सनल मीडिया भी है जिस पर चाहते तो सब है लेकिन बताते कोई नहीं। मैं बात कर रहा हूं pornhub.com की, जो हमारे यहाँ इलीगल होते हुए भी इस लिस्ट में 10th पोजीशन पे, क्योंकि रिपोर्ट्स में ये पता चला है कि 2018 में एक दिन में इस वेबसाइट पर 335,00,000 लोग जाते थे, जबकि 2019 में ये नंबर बढ़कर 4,200 करोड़ हो गया। इतना ही नहीं, छुट्टी वाले दिन यानी संडे को इस वेबसाइट पे लोगों की भरमार होती है, जहाँ लोग सबसे ज्यादा जापानीज के कीवर्ड डालते ही उसके डायरेक्शन में वेबसाइट का मेटा डिस्क्रिप्शन मिल जाता है, जो उन्हें ये बताता है कि उस वेबसाइट में उन्हें कौन सी चीजें देखने मिलेगी। और वेबसाइट्स का यही मेटा डिस्क्रिप्शन ट्रैफिक को अट्रैक्ट करने में मदद करता है, जिसके बाद यही अट्रैक्शन उर्फ डिस्क्रिप्शन पॉर्नहब और बाकी वेबसाइट्स को मोस्ट व्यूड वेबसाइट्स बनाती है। किंतु ये सब एक जिम्मेदारी का काम है जिस पर वेबसाइट्स का बिजनेस टिका हुआ है, इसीलिए अक्सर सभी वेबसाइट्स अपने मेटा टैग्स लिखवाने के लिए प्रोफेशनल्स यानी SEO स्पेशलिस्ट्स और कॉपीराइटर्स को हायर करते हैं, ताकि ये काम भी प्रोफेशनली हो। और शायद इसके इसी खास मेटा डिस्क्रिप्शन की वजह से पिछले साल पैंडेमिक में इस पर ट्रैफिक 12% तक बढ़ गया था। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सिर्फ लोगों के घरों में बैठने की वजह से हुआ, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार लॉन्च के 7 महीने बाद ही इस साइट की रीच एक दिन में 1 मिलियन हो गई थी,
और शायद इसकी इसी पॉपुलैरिटी की वजह से आज पॉर्नहब की नेटवर्थ 15,000 लाख रुपीज हो गई है। अब आइए जानते हैं कि कैसे गूगल इन वेबसाइट्स को टॉप पर लाकर गूगल टॉप पे आ जाता है, अपनी और इन वेबसाइट्स दोनों की झोली रुपयों से भर देता है। दरअसल गूगल एक सर्च इंजन के तौर पर लॉन्च हुआ था, जिसने फिर अपना ही एक एड टूल भी बना दिया, जहां यूजर को उसके हर सवाल के बदले किसी दूसरी वेबसाइट पर राउट किया जाने लगा। ये स्टेप गूगल के लिए इतना फायदेमंद साबित हुआ कि आज वो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग की दुनिया पे कुछ ऐसे राज कर रहा है कि कंपनी के 2020 के एनुअल रेवेन्यू में इसके एड टूल ने 10 लाख करोड़ यानी कि 80% तक कॉन्ट्रीब्यूट किया था। और ये रेवेन्यू कमाने के लिए गूगल यूज करता है अपना एडवर्ड, जिस पर इस्तेमाल होते हैं कीवर्ड्स। दरअसल जिस किसी वेबसाइट को अपना वेब पेज सर्च रिजल्ट में दिखवाना होता है, वो अपने कीवर्ड्स के लिए गूगल से दो तरीकों से बिड करते हैं। पहला, इफ किसी वेबसाइट को अपनी साइट पे ट्रैफिक लाना होता है, वो सीपीसी की बिडिंग करता है, जिसके बाद जब भी कोई यूजर गूगल के जरिए उसकी वेबसाइट पे या उसकी वेबसाइट की एड पे क्लिक करेगा, वो गूगल को उसके लिए पे करेगा। अपने इसी सीपीसी के लिए यूएस में गूगल ऑन एन एवरेज $1 to $2 तक चार्ज करता है। और इसका दूसरा तरीका है, एडवर्टाइजर अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए गूगल को मैक्सिमम अमाउंट पे कर सकता है, जिसके बाद जब भी उसके वेबसाइट की एड गूगल पे दिखने योग्य होती है, यानी जब भी कोई एक यूजर एक कीवर्ड गूगल पे डालता है, एडवर्टाइजर का दिया हुआ अमाउंट उर्फ उसकी बिडिंग उसके वेबसाइट की पोजीशन डिसाइड करती है। लेकिन सिर्फ गूगल ही नहीं, दूसरे सभी सर्च इंजिन्स एड से इसी तरह से रेवेन्यू कमाते हैं। बस फर्क इतना ही होता है कि गूगल लीडिंग सर्च इंजन है और इसीलिए इसकी बिडिंग का अमाउंट थोड़ा ज्यादा होता है, जो इसे लीडिंग वेबसाइट्स की लिस्ट में टॉप नंबर पे डाल देता है। क्योंकि SEO और CPC से वो वेबसाइट से तो पैसे कमा ही लेता है, प्लस उसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि बच्चा बच्चा इन्फॉर्मेशन की तलाश में सबसे पहले गूगल पे ही आ जाता है। और यही गूगल उसे विकिपीडिया पे राउट कर देता है, जो लोगों को फ्री में जानकारी देने के मकसद से 2003 में शुरू हुआ था। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जानकारी के इतने बड़े वेबसाइट का ओनर कोई बिजनेसमैन या आईटी प्रोफेशनल नहीं है, बल्कि इसे द विकिमीडिया फाउंडेशन ओन करती है। हालांकि इसके आर्टिकल्स पे कोई भी चेंजेस कर सकता है, बस उसके लिए एडिटर्स को विकिपीडिया की पॉलिसी का ध्यान रखकर उस इन्फॉर्मेशन को किसी रिलायबल सोर्स से वेरीफाई कराना होगा। बट फिर भी ये वेबसाइट काफी रिलायबल होती है। वैसे बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि इंग्लिश के अलावा विकिपीडिया 300 अलग अलग लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है, और इसकी इसी सब फीचर्स ने इस साल इसके रेवेन्यू को 1,000 करोड़ तक पहुंचा दिया है। हालांकि कई बार सिर्फ वेबसाइट्स की मेहनत ही उन्हें मोस्ट विजिटेड वेबसाइट्स की लिस्ट में शामिल नहीं करती, इनमें से कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी होती है जो खुद को ऊपर करने के लिए अपने कॉम्पिटिटर्स को नीचे गिराती है, जिसके लिए ये कई बार लोगों को हायर कर उनसे अपने प्रोडक्ट्स पे फेक रिव्यूज तक लिखवाती है। और फिर चाहे वो वेबसाइट कोई टॉप क्लास वेबसाइट हो या कोई ऑर्डिनरी, लेकिन आपको नहीं लगता अपनी वेबसाइट्स को टॉप पे लाने के लिए सभी वेबसाइट्स को जितना हो उतना रियल रहकर कस्टमर का भरोसा जीतना चाहिए? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में लिखना। और अगर इन मोस्ट व्यूड वेबसाइट्स में से किसी एक वेबसाइट को लिस्ट में शामिल करने में अगर आपका सबसे बड़ा हाथ है, तो वीडियो को अभी लाइक कर दो और उस वेबसाइट का नाम नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना। अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक ठोकना। गेट सेट लाइफ फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सके। With that said, as always, stay curious, keep learning, and keep growing. Jai Hind!